वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृश्चिक राशि वालों, हमेशा से एक बात याद रखें कि इस बड़े ब्रह्मांड में आप केवल परमाणु जैसे ही है और ना ही कोई मनुष्य अमरत्व का वरदान लेकर आया है। इसलिए इस पृथ्वी पर आप जब तक है तब तक अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति संपत्ति प्राप्त करने के साथ साथ धर्म के साथ जुड़कर पुण्य प्राप्त करते रहे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पुण्य ही है जो हमारे दुख दरिद्रता को मिटाता है, सुख देता है, संपत्ति देता है। आपके मन में भी अभी यही प्रश्न चल रहा होगा कि नवमरमंद कैसा रहेगा, क्या वाकई में दिवाली के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्या नवमर में बड़ा बदलाव आपको आश्चर्यजनक परिणाम देगा, क्या प्रेम जीवन में सुख भरे पल बिता पाएंगे, धन नौकरी व्यापार व्यवसाय के बारे में क्या स्थिति होगी। वृश्चिक राशि वालों, आप मानो या ना मानो लेकिन अद्भुत और असंभव दिखने वाले कार्य भी नवंबर मंथ में होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इनके जानकारी। वृश्चिक राशि वालों, जब कोई व्यक्ति अपना कार्य आरंभ करता है तो निश्चित ही वह उत्साह और उमंग से परिपूर्ण होता है, लेकिन फिर कुछ नकारात्मक स्थितियां उन्हें हतोत्साह होने पर मजबूर करती है। लेकिन नवंबर मंथ आपको तीन तरीके से करियर की दृष्टि से लाभ देगा। पहला लाभ, बृहस्पति के प्रभाव से आपको नवंबर 2024 में न केवल नौकरी के अवसर प्राप्त हो गए किंतु इसके साथ साथ आपको आपके वर्तमान कार्यस्थल पर भी पदोन्नति प्राप्त होगी। इसके पीछे भी की एक बड़ी वजह है, क्योंकि सूर्य ग्रह जब गुरु की राशि में पहुंचते हैं और वह द्वितीय भाव में होते हैं तो सूर्य व्यक्तियों को राजसत्ता का सुख देता है, वह सरकार में शामिल होने के अवसर देता है, चुनाव में जीत दिलाता है। यदि व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्य से संबंध रखता है तो उसे लाभ देता है। आपको सरकार के संबंधित ठेके मिलते हैं अगर आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो, ऐसे समय में आपको विशेष जवाबदारी पूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। सूर्य 16 से आपकी राशि में आ रहे हैं तो वह स्थानांतरण की भी अच्छी संभावनाएं बनाते हैं। हालांकि इसके साथ साथ इस महीने के उत्तरार्ध में कुछ तनाव और बाधाएं भी आ सकती है, लेकिन वह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप जिस नौकरी में है उस पर टिके रहना चाहेंगे तो आपको वहां से भी लाभ मिलेगा, इसलिए बड़े निर्णय से पहले लाख बार जरूर सोचें। तीसरा लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित लोगों को मिलेगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सीधा संबंध रखते हैं, यदि आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट है या आप डेटा एनालिसिस करते हैं, वीडियो इमेज ग्राफिक्स से आपका संबंध है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, सर्वर स्टोरेज डेटाबेस नेटवर्किंग आदि से संबंध रखते हैं तो यह महीना आपके जीवन का यादगार महीना अवश्य होगा। यह केवल नौकरी जॉब के लिए नहीं लेकिन धन और किसी अच्छी स्थिति के लिए भी आपके लिए नवंबर मंथ महत्वपूर्ण बन जाएगा। मित्रों, इतिहास गवाह है, जब शुक्र ग्रह ने आपकी राशि कुंडली में द्वितीय भाव में प्रवेश किया है तो उन्होंने आपकी राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगर आप सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी। अगर आप फाइनेंस एवं खनन क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप ढेर सारा लाभ ले पाएंगे। अगर आप समाज सुधारक है, निर्माण कार्य से संबंध है, ठेकेदार है, आयात निर्यात से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको लाभ जबरदस्त मिलेगा। सागर से संबंधित भी आप बढ़िया नतीजे प्राप्त कर सकेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जो आपको ढेर सारा धन और नए अवसर देगी और यह अवसर आपको भविष्य बनाने में आपकी मदद करेगा। आइए अब बात करते हैं प्रेम स्वास्थ्य और विवाहित जीवन के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, मैंने पहले ही बताया है कि शुक्र द्वितीय भाव में परिवारों के लिए बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करता है, इसलिए नवंबर में आपको संतान को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपका संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह भी होगा, संतान प्राप्ति के भी योग निर्मित हो रहे हैं। नवंबर में शुक्र द्वादश एवं सप्तम भाव के लोड हो रहे हैं,
ऐसे में वह भागीदारी से संबंधित लाभ देता है। शारीरिक बदलाव होते हैं, आपका आकर्षण है वो एकदम से बढ़ जाता है। अगर आप सिंगल है तो आपके निजी संबंध भी बनते हैं। आपका दिल चाहे हजारों बार टूटा हो लेकिन फिर से एक बार जुड़ने की योग बन रहे हैं, यानी कि प्रेम संबंध में नवमंथ रोमांच और रोमांस भरे अवसर देगा। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में पिछले काफ़ी समय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो महीने के मध्य में थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि कहाँ सुनी और तीसरा शख्स आपके बीच में मतभेद भी उत्पन्न करने की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है। हालांकि 17 नवंबर के बाद आपको एक साथ अच्छा समय बिताने का वक्त जरूर मिलेगा। आप समय निकाल पाएंगे, साथी से मिल सकेंगे। मित्रों, मंगल की वजह से विवाह में विलंब होता है, विवाह संपन्न होने में अवरोध होता है एवं विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन में विवाद होते हैं। पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बना देते हैं। हालांकि अगर आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है, अब मंगल की स्थिति को एक बार चेक करें और फिर आगे बढ़ें। हालांकि नवंबर में सप्तम भाव में गुरु आपके बीच में बढ़ रहे तनाव को खत्म करेगा। अब दोनों के बीच में चल रही गलतफहमियां दूर होगी, आप अपने प्रियतम से सहानुभूति प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपका साथी आपसे कहीं दूर है तो वह भी नज़दीक आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने का प्रारंभ जबरदस्त होगा। हालांकि जब अंत होगा तो यात्रा से थकान एवं काम की अधिकता के चलते स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान करेगी। इसके साथ साथ इस महीने आपके किसी कार्य करते समय अपने हाथ और पैरों को चोट न पहुंचे, इस बात को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य का स्वामी मंगल भाग्य भाव में स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहता है। नियमित योग अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या का पालन करें, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों, मैंने कई बार समझाया है कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें और आगे बढ़े। वृश्चिक राशिफल नवंबर 2024 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।